नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का युवाओं से स्वयं और पूरे समाज के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पर विपक्ष से रुख स्पष्ट करने को कहा। ये भी पूछा कि क्या वे घुसपैठियों को देश में ही रहने देना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के इस्तीफे से इनकार किया। पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने को तैयार। भारत ने एंटीगा से भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए विधिवत अनुरोध किया। केंद्र का नागालैंड को बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन। और चीन के नानजिंग में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को रजत पदक। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से अपने लिए, अपने परिवार और पूरे समाज, विशेषकर वंचित लोगों के लिए कुछ बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने का आह्वान किया है। आज हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि देश की आकांक्षाएं अब 6 दशक पहले स्थापित किए गए भारी उद्योगों तक सीमित नहीं रह गई हैं। ऐसे में IIT हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए प्रासंगिक बने रहना होगा। द नॉलेज इकोसिस्टम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन साइंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैबोरेटरीज, कमर्शियल एप्लीकेशंस एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैज एन ऑलमोस्ट मैजिकल पोटेंशियल। दिस IIT हैज बीन सेट अप इन अ सिटी एंड इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया वेयर सेवरल एलिमेंट्स फॉर सच एन इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तमिलनाडु से राष्ट्रपति केरल पहुंच गए हैं। वे कल राज्य विधानसभा की हीरक जयंती के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में आयोजित लोकतंत्र समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 123वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करने के लिए आयोजित समारोह के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उनकी पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक लोकसभा में पारित करा लिया है और अब इसे राज्यसभा में पारित होना है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे पिछड़े वर्गों के लोगों का समुचित कल्याण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने में मदद करनी चाहिए। OBC बिल पारित करने में कांग्रेस सहायता करेगी या नहीं करेगी, वहीं से तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों का कल्याण चाहती है या नहीं चाहती। श्री अमित शाह ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जानना चाहा कि क्या वे घुसपैठियों को देश में बने रहने देना चाहते हैं या उन्हें निकाल बाहर किया जाना चाहिए। NRC क्या है? NRC ये देश में से, असम में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी कहती है। NRC नहीं होना चाहिए। मैं आज पूर्वांचल वासियों को पूछना चाहता हूँ, आप बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में मुगलसराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम दिया। इस रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी 1968 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस अवसर पर उन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने आज से 50 साल पहले फरवरी 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पार्थिव शरीर की पहचान की थी, जो संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन के पास मृत पाए गए थे। अमित शाह और अन्य नेताओं ने एक सभी महिला कर्मचारियों वाली मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रकार की यह पूरे देश में इकलौती ट्रेन होगी। इसके साथ ही स्टेशन के यार्ड के आधुनिकीकरण प्रस्ताव की शुरुआत के साथ एकात्मता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई, जो
लखनऊ से मुगल सराय के बीच सप्ताह में दो बार चलेगी। नाम बदले जाने के साथ ही मुगल सराय जंक्शन अब इतिहास का हिस्सा बन गया, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में दिल्ली हावड़ा रूट पर प्रमुख जंक्शन के रूप में स्थापित किया गया था और जहां 12.5 किलोमीटर में फैला एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पार्टी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत जाने माने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के बराबरी के अधिकारों में विश्वास नहीं करती। डॉ सिंह ने कांग्रेस को एक ऐसी सांप्रदायिक पार्टी बताया जो तुष्टिकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें जाने जगह तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। रीमा, आज से तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सर मतलब मेरा अभी अभी तो बच्चा। अरे तभी तो, अब तुम वहाँ से काम करोगी जहाँ तुम आराम से अपनी बिटिया को फीड करा सको, यानी अपने नए केबिन में। ओके सर। अब हर माँ को जरूरत है ऐसे ही सहयोग की, ताकि वो 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध पिला सके। तभी तो बच्चे का दिमाग बनेगा तेज, सही है ना? माँ का दूध फायदे खूब। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड ने आज जोर देकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। जनता दल यू नेता केसी त्यागी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराने के लिए तैयार है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कल आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले नेताओं की आलोचना की। श्री त्यागी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हादसे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय को मामले की जांच की निगरानी करने के लिए लिखा है। इस बीच बिहार सरकार ने इस मामले में मुजफ्फरपुर बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी के समय पर उचित कार्रवाई नहीं करने पर किया गया है। राज्य सरकार ने 5 अन्य जिलों मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, भोजपुर और अररिया की बाल संरक्षण इकाइयों के सहायक निदेशकों को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया है। भारत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगा के अधिकारियों को विधिवत अनुरोध पत्र दिया है। सूत्रों ने बताया कि चौकसी के प्रत्यर्पण के सिलसिले में भारत का एक दल कुछ दिन पहले एंटीगा गया था। इससे पहले चौकसी के एंटीगा में मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद भारत ने एंटीगा और बारबुडा के अधिकारियों से चौकसी को हिरासत में लेने का अनुरोध किया था। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में पुलिस को चौकसी और नीरव मोदी की तलाश है। इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 125 करोड़ भारतीयों के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की भावना से देश को स्वच्छता के क्षेत्र में काफी मदद मिली है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट संदेश में सहारनपुर के एक व्यक्ति के पत्र का उल्लेख करते हुए ये बात कही। सहारनपुर के प्रणव सक्सेना ने स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन करते हुए अन्य लोगों से इसमें सहयोग की अपील की थी। पूरे देश में व्यापक स्तर पर स्वच्छता के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की औपचारिक शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप अगले साल 2 अक्टूबर तक देश को खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन से साफ सफाई के प्रति लोगों की सोच में काफी बदलाव आ रहा है। ईटानगर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब एक साल पहले राजधानी क्षेत्र ईटानगर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्यक्रम शुरू किया। लोग प्रतिदिन सुबह जोश खरोश के साथ बाहर निकलते हैं और अपने घर के कूड़े को गार्बेज ट्रक में फेंकते हैं। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार की इस पहल के बाद शहर में पहले की तुलना में ज्यादा स्वच्छता आई है। ईटानगर के एक निवासी बोके बागरा कहते हैं कि शहर को साफ रखना सिर्फ सरकार अकेले का काम नहीं है, बल्कि प्रयास लोगों की तरफ से भी आनी चाहिए। मुझे लगता है स्वच्छ भारत अभियान हमारे आस पड़ोस को साफ करने का ही नहीं बल्कि हमारी सोच को भी साफ रखने की मुहिम है, और सरकार तो अपना काम कर ही रही है तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब हमारे ईटानगर को ही देख लीजिए, पहले हम लोग कचरा रोड साइड से फेंकते थे, लेकिन जब से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू हुआ है तब से लोग गार्बेज ट्रक पे ही अपना कचरा फेंकते हैं, और इसका सारा सही जाता है स्वच्छ भारत अभियान को, जिसके कारण हमें ये जागरूकता आई है। आजकल सड़कें और गलियां स्वच्छ हैं और लोग अपने मुंह को रुमाल से बिना ढके हुए ही उन सड़कों पर टहल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों को स्वच्छता के महत्व और इसके प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। जरा ठहर तो मच्छर, हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय रेट्रो जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से जानमाल को हुए नुकसान से निपटने के लिए नागालैंड सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों द्वारा नागालैंड में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रिजिजू ने केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन घने कोहरे की वजह से वे कोहिमा में नहीं उतर सके और उन्हें दीमापुर लौटना पड़ा। दीमापुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए रिजिजू ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालयों से सभी संभावित सहायता के बारे में आश्वासन दिया। इस बैठक में रिजिजू ने कहा कि वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक आंतरिक मंत्री स्तरीय टीम गठित की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर नागालैंड को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि टीम की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद राज्य के लिए राहत राशि दी जाएगी। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने तत्काल राहत के अलावा बहाली कार्यों को शुरू करने के लिए अतिरिक्त निधि के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। कोई मासे मैं शाहू पटोले। उधर उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में भी पिछले पखवाड़े हुई मूसलाधार वर्षा से भीषण बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। घाघरा, शारदा और साई सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी भी कई जगह पर उफान पर हैं। तराई क्षेत्र के जिलों में भारी वर्षा और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ आ गई है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद के कारण जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा आज और कल के लिए रोक दी गई है। हालांकि बालतल और पहलगाम के आधार शिविरों में पहले से मौजूद श्रद्धालुओं की यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। भारत की पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। चीन के नानजिंग में आज खेले गए फाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन ने तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु को 21-19, 21-10 से पराजित किया। लंदन में महिला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में आज आयरलैंड का सामना हॉलैंड से होगा। आयरलैंड महिला विश्व कप के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली सबसे निचली रैंकिंग की टीम बन गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है मातृत्व और शिशु जीवन की बुनियाद। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से स्वयं और पूरे समाज के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष से अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। ये भी पूछा कि क्या वे घुसपैठियों को देश में ही रहने देना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के इस्तीफे से इनकार किया है। पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने को तैयार है।
भारत ने एंटीगा से भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए विधिवत अनुरोध किया है। केंद्र ने नागालैंड को बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।